वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम फिर शुरू करते हैं नीट के वीडियोस को, काइनेमेटिक्स के। इसमें हम अब न्यूमेरिकल्स हमारे को करने रह गए हैं। सो पहले हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो जिस टाइप के नीट्स में होते हैं, नीट में क्वेश्चन आए होते हैं, और उसके बाद एग्जैक्टली पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। और उसके बाद आप मेरी वेबसाइट से उससे पुराने क्वेश्चन यदि आप करना चाहें तो आपको वो वहां मिल जाएंगे। आप डाउनलोड करके आराम से उनको कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट में आए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नीट में इसी टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। बॉडी लूजेस हाफ इट्स वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर जाने के बाद, हाउ मच विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। थोड़ा इसको विचार करते हैं। पहले मेरे पास कुछ वेलोसिटी है और 3 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद वेलोसिटी मेरी आधी हो गई है। मतलब इस जर्नी के लिए जिसमें एक्सेलरेशन कुछ भी है बिकॉज ऑफ वुडन ब्लॉक, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी मान लो यू है और बाद वाली u/3 हो गई। ये पूछता है और कितना चलेगी कि उसके बाद वो रुक जाए। याद रखना, और कितना चलेगी के लिए मेरे पास नई वेलोसिटी, और कितना के लिए नई वेलोसिटी u/2 हो जाएगी और फाइनल 0 होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि पहले u से u/2 गया, उसके लिए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। अब u/2 से 0 होना है तो डिस्टेंस मुझे निकालना है। अब आप सोचेंगे मुझे एक्सेलरेशन भी नहीं पता, कैसे करना है? आइए हम इसकी इक्वेशन से ही एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखिए ये इक्वेशन मेरे पास है, अब मैंने वैल्यू पुट कर दी, वी को कर दिया u/2 और यू स्क्वायर की फॉर्म में कर दिया। इसके करते ही मेरे पास वैल्यू, यू स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 8a आ गई। अब ध्यान देना, यहां पर मैंने वैल्यू में ऑलरेडी इस पर माइनस ले लिया। अगर मैं माइनस यहां नहीं लेता, यहां प्लस लेता, तो मेरे पास यू स्क्वायर -8a के बराबर आ जाता। कोई फर्क नहीं होता, नो डिफरेंस। मैंने यहां पर ऑलरेडी रिटार्डेशन ले लिया, इसका मतलब मेरा a प्लस होना चाहिए। देखिए, रिटार्डेशन ऑफ 4 cm/s² मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ -4। तो मैंने अगर रिटार्डेशन शब्द कह दिया, -4 हटा दिया, माइनस हटा दिया, तो उस लिहाज से मैं इसको ये लिख सकता था, वही मेरे पास आ गया। अब सेकेंड केस में क्या है, देखिए वेलोसिटी मेरी कितनी है, u/2 अभी है और बाद में मुझे 0 करनी है। मैंने यहां इक्वेशन लगा दिया आपके सामने। अब इसमें यू स्क्वायर की वैल्यू मैंने अगर, देखिए दो तरीके थे, मैंने अगर यू स्क्वायर की वैल्यू 8a यहां पर पूरी रख दी तो s की वैल्यू 4 आ गई। जब मैं यू स्क्वायर को 8a रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जब मैं यू स्क्वायर को 8a रख रहा हूं, इसका मतलब मैं शुरू से आखिर तक की दूरी निकाल रहा हूं। मैं माने यू से जाकर 0 होने तक, वो है 4 सेंटीमीटर। 3 तो पहले जा चुकी है और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर, माने एक्स्ट्रा कितना पेनिट्रेशन होगा। तो मेरा उत्तर आया 1 सेंटीमीटर। अब इसी क्वेश्चन में मैं अगर यहां पर इस यू को यू स्क्वायर बाई 4 कर देता, इसको यू स्क्वायर बाई 4, इस वाले यू को मैं यू स्क्वायर बाई 4 कर देता, तो भी मेरा आंसर सीधा 1 आता, बिकॉज यू स्क्वायर बाई 4 करता तो मेरे पास आंसर ये 2a बन जाता। 2a -2s इज इक्वल टू 0, तो s इक्वल 1 आई थी। मतलब आप क्वेश्चन में फॉर्मूला मेरा कोई भी लगाइए, लेकिन हमारे पास उसकी वैल्यूज क्या क्या है जरा उसको समझ लीजिए। हमने यहां पर जो निकाला है उसमें क्या निकाला है, शुरू से आखिर तक जाने में उसको 4 सेंटीमीटर लग रहे हैं, और 3 तो पहले लग चुके हैं जबकि वेलोसिटी आधी हुई, और क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा था फर्दर कितना जलेगा रुकने से पहले, तो उसका आंसर 1 सेंटीमीटर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेंटीमीटर आ गया। यह क्वेश्चन AREE में कभी आया हुआ है। आइए एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। बिल्डिंग से, पढ़ लीजिए क्वेश्चन जरा आराम से, जब भी ऐसा क्वेश्चन है थोड़ा पॉज करके पढ़ लिया करें। अब वो कहता है एक बॉडी को मैंने छत से ऊपर फेंका, एक को नीचे से फेंका, लेकिन दोनों सेम वेलोसिटीज पर, एक को ऊपर फेंका एक को नीचे फेंका, दोनों सेम वेलोसिटीज पर। जब वो दोनों जमीन को टच करेंगी तो उनकी वेलोसिटीज का क्या रिश्ता होगा, जरा सा इसको और समझने का प्रयास करें। ये देखिए, मान लीजिए टावर है, ये वेलोसिटी मेरे पास एक ऊपर फेंकी मैंने, एक नीचे फेंकी। ध्यान देना, ये बॉडी जब ऊपर जाएगी घूम के नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी भी इतनी ही हो जाएगी। इसका मतलब जब ये दोनों बॉडी नीचे को टच करेंगी तो दोनों की वेलोसिटी सेम रहने वाली है।
हाँ, इस पहली वाली बॉडी के लिए क्या होगा, इसको ज्यादा समय लगेगा बिकॉज पहले इसने ऊपर जाना है, वहां से नीचे आना है, पर सो फार एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कंसर्न, इट इज गोइंग टू बी द सेम. दैट मीन्स द वेलोसिटी विल, इट विल कम आउट एट दिस पॉइंट विद द सेम वेलोसिटी. तो दोनों बॉडी एक तरीके से इसी वेलोसिटी पे फेंकी गई, एक अभी एक थोड़ी देर के बाद. उस केस में दोनों बॉडी नीचे एक ही वेलोसिटी पर टच करेंगी, हेंस इसका आंसर आएगा बी, वी ए इक्वल्स टू वी बी, बिकॉज व्हाट वी से, जो आपने ऊपर बॉडी को फेंका जब बॉडी नीचे आती है तो उसी पॉइंट पर उसी वेलोसिटी पर बॉडी आ जाती है. ये मैंने आपको अपने बोर्ड पर करे क्वेश्चन में भी आपको बताया था. आइए और देखें, पढ़िए क्वेश्चन. दो कारें हैं, एक की वेलोसिटी यू है, एक की 4 u है, और दोनों को ब्रेक मारना है, लेकिन डिसेलेरेशन सेम है, माने एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है. तो दोनों को कितनी दूरी के बाद रुकना है उसकी रेशियो निकालनी है, माने यू वाली वेलोसिटी की वाली बॉडी कार कितनी देर में रुकेगी वर्सेस 4 u वाली कितनी देर में रुकेगी. आइए, हमारे पास 4 इक्वेशन थी. मैंने आपको बताया हर इक्वेशन में एक चीज अननोन होती है. मैं हर काइनेमेटिक्स में इक्वेशन बता चुका हूं आपको, जितनी भी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है उनमें है क्या क्या, देखिए 5 चीजें, यू वी टी ए एस. आई रिपीट वंस अगेन, यू वी टी ए एस. एक इन 5ों में से एक चीज उड़ाई है, बाकी 4 की इक्वेशन बनी हुई है. अब मेरे पास यहां पर क्या है, देखो यू वाली बॉडी जा रही है, मैंने बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे यू पता है, बॉडी को मैंने रोक देना है मतलब वी पता है, और खेल किसका खेलना है, डिस्टेंस का. तो मुझे एक इक्वेशन ऐसी ढूंढनी है जिसमें यू वी एस हो, यू वी एस हो, परंतु टी ना हो क्योंकि टाइम का चक्कर मुझे नहीं चाहिए, लेकिन साथ में इसने बता रखा है सेम एक्सेलरेशन हो, इसका मतलब ए हो सकता है. इसका मतलब मुझे इक्वेशन कौन सी चाहिए, ध्यान दीजिएगा फिर से, यू वी ए एस, इन 4 चीजों पर इक्वेशन. याद है आपको कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन रही आपकी. तो मेरे पास यू स्क्वायर की वैल्यू 2 as के बराबर आ गया बिकॉज फाइनल वेलोसिटी 0 है, और मैंने यहां पर भी डिसेलरेशन की वजह से माइनस ले लिया. अब एक बार बोलो, अब यू स्क्वायर पर डिपेंड करता है, अब आप आराम से कर सकते हैं, यू स्क्वायर इज 2as1 एंड 4u का होल स्क्वायर इज 2as2, डिवाइड करेंगे आपकी रेशियो 1:16 आ जाएगी. क्लियर? हमें सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को करने से पहले माइंड में डालना है कौन कौन सी चीजों पर बेस्ड मुझे इक्वेशन चाहिए काइनेमेटिक्स में, और फिर उसको हम सॉल्व करने बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन AREE में आया हुआ है. अब आइए पढ़िए इस क्वेश्चन को. चलिए अब क्या है वो देखो, इस क्वेश्चन में एक पैराशूटिस्ट गिर रहा है नीचे 50 मीटर तक पहले, उसके बाद वो पैराशूट खोलता है और उसकी डिसेलरेशन 2 m/s² होती है, और जमीन पर जब वो टच करता है उसकी वेलोसिटी 3 m/s है. आपको बताना है वो किस हाइट से बेल आउट हुआ है. अब यहां देखिए जिस समय वो पहला 50 मीटर गिरता है, अब ध्यान देना, जिस समय वो पहला 50 मीटर गिरता है उसका एक्सेलरेशन 9.8 है, उसके बाद उसका डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन -2 है, माने दो अलग अलग एक्सेलरेशन हो गई. इसका मतलब एक ही इक्वेशन के पैरामीटर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले से बता रखा है जितनी भी 5ों इक्वेशन है उनका कंबाइंड नाम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन हैज टू बी कॉन्स्टेंट. अब इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, पहले 50 मीटर की एक्सेलरेशन अलग है उसके बाद अलग है. तो हमें करना क्या पड़ेगा, हम सबसे पहले 50 मीटर की एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हमारे पास. अब पहले 50 मीटर के लिए सोचिए क्या है, पैराशूट बंदे ने जब ऊपर गिरा है तो यू 0 है उसका, मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे इक्वेशन वो चीज में यू भी हो वी भी हो, एक्सेलरेशन भी मुझे मालूम है 9.8 है और एस भी हो, तो यू वी ए एस की इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as, उसे निकाल लेंगे. अब सेकेंडली मुझे क्या करना है, सेकेंड केस में मुझे कह रहा है ये जमीन पर गिर रहा है 3 m/s से,
डिसेलेरेशन होने के बाद, इसका मतलब सेकेंड पार्ट में मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी जो अभी मैं निकाल चुका पहले केस में, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 3 है, अब हाइट की बात करनी है। मतलब सेकेंड केस में मेरे पास यू वी एस ए वो इक्वेशन लगनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आ गया मेरे पास वी स्क्वायर की वैल्यू 980। इज इट क्लियर? अब कुछ लोग इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, ना ऐसा सॉल्व मत कीजिए बिकॉज ये कट जाने वाला मामला है, क्योंकि अगली इक्वेशन में तो यही है यू स्क्वायर माइनस टू एस, तो मुझे बेसिकली वी तो चाहिए नहीं था, मुझे वी का स्क्वायर ही चाहिए, तो मैं वी क्यों निकालू, तो मैंने ले लिया 980 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 2 इंटू एस। अब इससे आपके एस की वैल्यू आ गई 242.75। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा मेरे पास ऑप्शन में 243 है, लेकिन वो आंसर सही है क्या? सोचने के पहले सोचिए, वो आंसर ठीक नहीं है बिकॉज ये जो डिस्टेंस निकला है ये निकला है पैराशूट में डिसेलरेशन शुरू होने के बाद 243 मीटर चल चुकी है बॉडी, लेकिन उससे पहले 50 मीटर और भी तो चली है ना, और हमारे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है किस हाइट पर वो बेल आउट हुआ है, इसलिए मुझे इसमें 50 मीटर को और ऐड करना पड़ेगा और मेरा आंसर उसके बाद 293 मीटर्स आता है। इसमें क्या था इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा फिर से, दो अलग अलग एक्सेलरेशन थे, क्योंकि दो अलग अलग एक्सेलरेशन थे मुझे जो इक्वेशंस भी पुट करनी थी दो बार पुट करना पड़ा, एक का वी दूसरे का यू बन गया। अब उसके साथ दूसरी बात जो हमने सोचनी है वो ये, हमने वी के स्क्वायर को सॉल्व ही नहीं करना, क्यों हम सॉल्व करें मतलब ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमको यूज वी स्क्वायर ही करना है, क्योंकि इसमें आपका टाइम जा सकता है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आपको हमेशा ये याद रखना है किस किस जगह पर आप अपना टाइम बचा सकते हैं, सो टाइम बचाने के लिए आपको इसको माइंड में रखना है और इस वजह से इस चीज को आपने आगे सॉल्व करना है। आइए अब ये देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को ठीक। अब ये क्वेश्चन कहता है कि बॉडी को हमने ऊपर फेंका, अपने आखिर के टी सेकंड चढ़ने में ये कितना चलेगा? अगर आप थोड़ा सा भी इसमें जो पुराने वीडियो में आपको बताया उसका ध्यान रखें, बॉडी के ऊपर की जर्नी और नीचे की जर्नी एक दूसरे की रेप्लिका होती है, इसका मतलब आखिर के टी सेकंड में, मतलब चढ़ते हुए ऊपर जाते हुए आखिर के टी सेकंड में उसने कितना चला, एक्चुअली नीचे गिरते हुए स्टार्टिंग फ्रॉम यू इक्वल्स टू जीरो माने ड्रॉप की पोजीशन से नीचे आने में भी टी सेकंड में कितना चला, दोनों सेम ही होंगे, इसलिए टी सेकंड में नीचे आने पर बॉडी कितनी चली, हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसका आंसर सीधा हाफ जी टी स्क्वायर। अगर लेकिन इस क्वेश्चन में आपने सॉल्व कुछ नहीं करना, माइंड में रखा है कि जो टी सेकंड चढ़ने में होगा वो टी सेकंड नीचे में होगा, ये सोच के आप इसका आंसर सीधा निकाल सकते हैं। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ऊपर असेंडिंग डिसेंडिंग के, उनके कंबाइंड यूज से हम कई बार विदाउट सॉल्विंग कंप्लीट इक्वेशन वी कैन गेट द आंसर। दीज वर सर्टेन क्वेश्चंस, और इसके बाद अब आपके पास एक मैं लास्ट वीडियो दूंगा जिसके अंदर आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैंने 2018, 17, 16, 15 देख के 5-6 क्वेश्चन दे दूंगा, और बाकी कुछ क्वेश्चन आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आपने उनको खुद सॉल्व करना है, डाउट हो तो मुझसे पूछना है। इतना आप करेंगे तो काइनेमेटिक्स नाम का चैप्टर नीट के लेवल पर आपका पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।